हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियां कहीं ना कहीं जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो किसी न किसी की असल जिंदगी पर बनी हैं। यही कारण है कि हम सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते हैं। जानते हैं कौन सी बॉलीवुड फिल्म किसकी असल जिंदगी से प्रेरित है। हिचकी। रानी ने इस फिल्म में एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया था, जिसे एक बीमारी होती है जो बोलने के साथ साथ अपना चेहरा भी हिलाती है। ये फिल्म ब्रैड कोहेंस की ऑटोबायोग्राफी फ्रंट ऑफ द क्लास हाउ टोरेट सिंड्रोम मेड मी द टीचर आई नेवर हैड से प्रेरित थी। शाहिद। हंसल मेहता की ये फिल्म फेमस वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर बनी थी। राजकुमार राव ने इस फिल्म में उनका किरदार निभाया था। तेरे नाम। सलमान खान स्टारर फिल्म तेरे नाम फिल्म के राइटर बाला के एक दोस्त की असल जिंदगी से प्रेरित थी। रक्त चरित्र। बॉलीवुड स्टार विवेक ओबेरॉय स्टारर ये फिल्म आंध्र प्रदेश के पॉलिटिशियन परिताला रविंद्र की असल जिंदगी पर प्रेरित थी। रागिनी एमएमएस। इस फिल्म में हीरो एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसका एमएमएस बना लेता है। ये फिल्म दिल्ली के रहने वाली दीपिका नामक लड़की की वास्तविक कहानी पर आधारित थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म को धनबाद के वासेपुर शहर के तीन कोल माफिया और पॉलिटिकल परिवारों की असल जिंदगी पर बनाया गया था। इन्हीं में से एक था फहीम खान, जो अब भी हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सिमरन। कंगना रनौत स्टारर ये फिल्म एनआरआई संदीप कौर की असल जिंदगी पर आधारित थी, जिसे चार बैंकों में डकैती के जुर्म में दोषी पाया गया था। स्वदेश। शाहरुख खान स्टारर स्वदेश अरविंद पिल्ललमारी और रवि कुचिमांची नामक दो व्यक्तियों के जीवन पर आधारित फिल्म है। नो वन किल्ड जेसिका। विद्या बालन और रानी मुखर्जी अभिनीत ये फिल्म मॉडल जेसिका लाल के मर्डर पर आधारित थी। गुलाब गैंग। ये फिल्म बुंदेलखंड के गुलाबी गैंग और उसकी कमांडर संपत पाल के जीवन पर आधारित थी, लेकिन इसके निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म का गुलाबी गैंग से कोई संबंध नहीं होना बताया था। रुस्तम। अक्षय कुमार की ये फिल्म भारतीय नौसेना के अधिकारी के एम नानावटी की जिंदगी पर आधारित थी। शूटआउट एट लोखंडवाला। ये फिल्म एटीएस के प्रमुख ए खान की जिंदगी पर आधारित थी, जिन्होंने 16 नवंबर 1991 को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलकर गैंगस्टर माया डोलास और उसके गुर्गों को मार गिराया था। खेले हम जी जान से। इसकी कहानी मानिनी चैटर्जी की बुक डू एंड डाई से ली गई है। इसकी कहानी सन 1930 से 34 के दौरान क्रांतिकारी सूर्य सेना के नेतृत्व में हुए चटगांव विद्रोह पर आधारित है। तलवार। ये फिल्म नोएडा के बहुचर्चित आरुषि मर्डर मिस्ट्री पर आधारित थी। इरफान खान ने इस फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। शूटआउट एट वडाला। ये फिल्म मुंबई के गैंगस्टर मन्या सुर्वे की असल जिंदगी पर आधारित थी। इसमें दिखाया गया था कि किस तरह एक सीधा साधा मन्या अंडरवर्ल्ड डॉन बनता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।